जय हिंद। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड भी नज़दीक है सर। आप लोग के पते हैं कि कोई कोरोना वरोना से कोई हम लोग का एग्ज़ाम प्रभावित होने वाला नहीं है। डेट जो फिक्स हो गया है बिहार बोर्ड के द्वारा 14 फरवरी से 10th का और 1 फरवरी से 12th का। तो चलिए आज लेके आए हैं। तो वीडियो को देखने से पहले मेरा चैनल बीके रंजन 19 आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत होती है। तो चलिए आज बिना देर किए हुए हम लोग आज 5 नंबर पकड़ते हैं। 5 नंबर क्या सर? कि आपका ऑब्जेक्टिव में ये फार्मूला 5 नंबर देकर जाएगा और कोई भी अगर मैथ जो दीर्घ उत्तरीय रहेगा उसको सॉल्व करने में ये मदद करेगा। दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में भी आपको ये मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं सब मिलाकर ये फार्मूला आपको बढ़िया मैथ में नंबर्स लेके आएंगे। तो चलिए आज बिना देरी किए हुए देखते हैं। और पहला फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आप लोग भी जानते हैं, अगर पढ़े होंगे और याद किए होंगे तो दोबारा रिवीजन कर लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? चलिए अगला फार्मूला है वृत्त का परिधि। अच्छा, वृत्त होता कैसे है सर? वृत्त होता कैसे है? देखिए 360 डिग्री का ना होता है वृत्त, 360 डिग्री का, तो गोलाकार ही ना वृत्त है सर। अब वृत्त का पहला सबसे पहला बोल दिया है इसमें क्या, ये तो रेडियस हो गया ना, त्रिज्या। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की त्रिज्या d/2 होता है ना फार्मूला। चलिए अर्धवृत्त, अब आधा वृत्त कह रहा है, कितना वृत्त? आधा वृत्त, यानी 360 डिग्री का पूरा वृत्त से 180 डिग्री का आधा वृत्त, तो अर्धवृत्त ना है। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर r into π plus 2। अगला है सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360×πr² ये आपका VBI फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। अगला है त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बराबर θ/360×2πr। अगला फॉर्मूला है सर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360πr². ये लघु था और त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई थी, ठीक है। अगला फार्मूला दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ फिर से देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत सर? चलिए अगला है घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 4×भुजा², ठीक है। ये क्या है? भुजा है, ध्यान दीजिएगा। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6×भुजा². घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, ठीक है, ए का क्यू। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2h×l+b, 2h×l+b। कते कहता ऐसे नहीं होगा भैया, ऐसे 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 तो ऐसे भी होगा छोटू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2×lb+bh+hl। अगला फार्मूला है घनाभ का आयतन बराबर l×b×h। अगला फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πrh। अगला फार्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr×r+h। अगला फार्मूला है बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। अगला फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर πrl। अगला फार्मूला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr×l+r। ये 20 फार्मूला में सर आपका 5 फार्मूला फिक्स है कि आपका ऑब्जेक्टिव लेकर आएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखे फार्मूला, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे VBI आर्स।
तो इस वीडियो को आप लोग बढ़िया से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, और जो हमारा चैनल में अभी तक नहीं जुटा है उन्हें शेयर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए VVI आर्ट्स का क्वेश्चन लेके आएंगे सर। तो आज के वीडियो इतने तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।